नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लेजेंड सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो आइए आज हम लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने बहुत हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत सारे मूवमेंट ज्वाइन किए थे। चलिए उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस के डेट ऑफ बर्थ का। तो उनका डेट ऑफ बर्थ है, जैसा कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे, 23 जैन 1897, और उनका जन्म हुआ था कटक में। कहाँ पे? कटक में, जो कि उड़ीसा में है। आगे चल के उनको जब वो मूवमेंट लड़ने लगे थे, बहुत सारे आंदोलन लड़े, तो उसके बाद गांधी जी के द्वारा उनको नेताजी का टाइटल दिया गया, नेताजी गिवेन बाई गांधी। गांधी के द्वारा दिया गया था उनको नेताजी का टाइटल। अब हम लोग कुछ उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जान लें। तो उनका प्राइमरी एजुकेशन हुआ था कटक से ही, और उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए चले गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन वो लिए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। हायर एजुकेशन था उनका कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बोलते हैं। वो किए थे 1919 से 1921 तक। और उसके बाद फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भी वो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किए। स्कॉटिश चर्च यूनिवर्सिटी था, जो कि स्कॉटलैंड में था। चर्च यूनिवर्सिटी, जो कि स्कॉटलैंड में था, वो भी इसी दौरान उन्होंने अपना कंप्लीट किया था। और उनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस, जो कि फेमस लॉयर थे। फादर थे उनके जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस जो कि फेमस लॉयर थे। माता जी उनकी रिलीजियस पर्सनालिटी की थी। माता जी का नाम था प्रभावती देवी। एक रिलीजियस विचारधारा की थी, धार्मिक विचारधारा की, बहुत ही पायस लेडी थी। चलिए हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा कैसा था। तो सबसे पहले तो उनका विचारधारा था गांधी जी के विचारधारा से मिलता जुलता था। तो उनका थॉट था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बट सभी मामलों में नहीं। गांधी जी क्या थे कि हमेशा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस में ऐसा नहीं था। कुछ आइडियोलॉजिकल क्लैश था गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में, और ये आगे चल के देखने को भी मिला जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा, 1939 में छोड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वह ज्वाइन किए थे 1938 में, और 1939 में वो छोड़ चुके थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़े तो उनको फिर कैद कर लिया गया था
ब्रिटिश के द्वारा फिर वो जेल से भागे। उसके बाद फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता, पेशावर, काबुल, मॉस्को, बर्लिन के थ्रू वो जर्मनी गए। जर्मनी जाकर वहाँ हिटलर से मिले, और हिटलर से मिलने के बाद वहीं पे उन्होंने एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ वहाँ पे अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किए, और उसमें उन्होंने वहाँ पर जाकर हिटलर से बोला कि जो भी एक्सिस पावर है, एक्सिस पावर आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े थे उसमें एक्सिस पावर कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। तो बोले थे कि जो भी एक्सिस पावर है वो भारत को आज़ाद कराएगी, और कहीं ना कहीं ये था कि ब्रिटिश के विरोध में वो जर्मनी के हिटलर से अपना संगठन को मजबूत कर रहे थे। INA, इंडियन नेशनल आर्मी का जो संगठन था उसके वो हेड भी थे, और आगे चल के उन्होंने प्री इंडियन का सेंटर बनाया रोम में, फ्री इंडियन का सेंटर बनाया रोम में और पेरिस में, रोम एंड पेरिस में। नेक्स्ट जब वो बर्लिन गए, जर्मनी गए, उसके बाद वो जापान गए, और टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ मार्च 1942 में। कब? मार्च 1942 में। और इसी कॉन्फ्रेंस में रिजोल्यूशन पास हुआ INA के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी, के लिए रिजोल्यूशन पास हुआ मार्च 1942 में। कहाँ पे? टोक्यो में, जो कि जापान में है, टोक्यो में हुआ। और इसके बाद रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद फिर इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ, और फाइनली जाकर 1943 में फॉर्मेशन ऑफ INA हुआ। फॉर्मेशन ऑफ INA 1943 में हुआ, और वो भी अक्टूबर में हुआ था। आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि INA जो था, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो अक्टूबर 1943 में हुआ था। और इसके जो सुप्रीम लीडर थे वो कौन होंगे? सुप्रीम लीडर इसके होंगे, सुप्रीम लीडर वो होंगे SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। आगे चल के फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद इसको इंडियन नेशनल आर्मी, इसी को आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आज़ाद हिंद फौज। आगे चल के आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, और यह एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। कैसी गवर्नमेंट थी? प्रोविजनल गवर्नमेंट थी।
फ्री इंडिया की, मतलब यह भारत को आज़ाद कराने के लिए गवर्नमेंट बनी थी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो बनी थी वो इंडिया को फ्री कराने के लिए बनी थी। और इसका जो कैपिटल था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की, वह था पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल कहाँ था? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में था, जो कि जैपनीज से लिया गया था। किसे लिया गया था? जैपनीज से, एक्वायर्ड फ्रॉम जैपनीज। और इसी गवर्नमेंट में, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट में ही हमारा जो नेशनल एंथम दिया गया था, वो जन गण मन दिया गया था। जन गण मन। और इसके जो हेड थे वो तो आप लोग जानते ही होंगे, वही थे एससी बोस। हेड और पीएम भी थे इसके, प्राइम मिनिस्टर। पीएम वर्ड कोई नया शब्द नहीं है, आज़ादी के बाद नहीं है, ये बहुत पहले से पीएम वर्ड आया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी, ये चली थी 18 अगस्त 1945 तक चली थी। टिल मतलब बनी थी ये 1943 में, और चली थी कब तक? 1945 तक। इसमें बहुत सारे देश ने भारत को मदद किया, जैसे कि जो जर्मनी था, जापान था, इटली था, क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे, तो वाजिब सी बात है कि इंडिया को ये लोग सपोर्ट करेंगे। थाईलैंड, बर्मा, चाइना, वियतनाम, ये जितने भी कंट्री हैं, ये सब उस समय इंडिया को सपोर्ट किए थे। और उसी समय INA का जो स्लोगन बना हुआ था, INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का, वो था दिल्ली चलो। कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन था कि अब हम लोग को अपना सेल्फ गवर्नमेंट वाला चाहिए, इंडिया को फ्री कराना है। तो ये कहीं ना कहीं उसी समय मन में आ गया था कि अब इंडिया को हम लोग फ्री करा कर ही रहेंगे। और इसी दौरान उनको नेताजी का टाइटल मिला हुआ था, जो कि गांधी जी ने दिया था। गांधी जी और उनके बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहते भी थे ये लोग। जैसे कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर कर रहे थे, इनको लगता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से भारत को फायदा होगा, लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब इलेक्ट किए गए हेड, उस समय भी गांधी जी बोले थे कि ये मेरी डिफीट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहते भी थे। और जो ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनी थी या इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वो थे वार प्रिजनर। कौन थे? पीपल पार्टिसिपेटेड में कौन थे? वार प्रिजनर, मतलब जो लोग ब्रिटिश के द्वारा बंदी बनाए गए थे, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तो ये थे वार प्रिजनर। ये वार प्रिजनर थे। और इनका जो, अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये इतने संगठन बनाए थे ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट में, मतलब पार्टिसिपेट किए थे, तो इनको पैसा कहाँ से आता था लड़ने के लिए, या वेपन्स खरीदने के लिए, या आर्थिक रूप से मदद कौन करता था? तो जो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे साउथ ईस्ट एशिया में, जो ट्रेडर थे, वही इन लोगों को मदद करते थे। और इसमें बहुत सारा ब्रिगेड बना हुआ था अलग अलग, जैसे कि गांधी ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था,
आजाद ब्रिगेड था, और एक विमेन ब्रिगेड भी था, रानी झांसी ब्रिगेड था, जो कि हेडेड किया गया था लक्ष्मी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के द्वारा। तो ये कुछ बातें थी जो कि भारत की आज़ादी में इनकी मदद बहुत सुभाष चंद्र बोस ने बहुत मदद किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी था, इंडियन नेशनल आर्मी, ये जो INA था, इसका हेड क्वार्टर था, दो जगह पे हेड क्वार्टर था इसका। एक तो था, आपको बता दूं, एक इसका हेड क्वार्टर था रंगून में, रंगून जो कि अब इसको यंगून बोला जाता है, जो कि म्यांमार, जो बर्मा की कैपिटल है, एंड दूसरा था सिंगापुर। तो इसके अलावा इन्होंने इम्फाल कैंपेन भी किया था mid-1944 में और mid-1945 में, और इम्फाल जो कैंपेन था उसमें लीडर थे शहनवाज, SK सहगल थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे। तो बहुत सारा इन्होंने मूवमेंट चलाया था, और कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और लेकिन आगे चल के इनका जो इम्फाल कैंपेन था वो फेल कर गया, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने जो मूवमेंट चलाया था, जो कैंपेन चलाया था एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, उसमें वो पैन इंडिया मूवमेंट था, उसमें बहुत भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग सपोर्ट किए थे, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ये हम लोग नहीं भूल सकते हैं। और इसीलिए हम इनको याद करते हैं और करना भी चाहिए। अभी तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट ने इंडिया गेट पर इनका स्टैचू बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और ठोस कदम उठाया है, जो कि बहुत सराहनीय है, और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, और इनका महत्व तो कभी भी कम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, और इनके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से कि कौन कौन से मूवमेंट में क्या किए थे, कहाँ से इनको सपोर्ट क्या मिल रहा था। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं सोच रहा हूँ हमेशा एक एक न एक किसी फ्रीडम फाइटर्स पर एक वीडियो बनाने के लिए, और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, और कंटेंट डिलीवर करूँगा। मैं सोच रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।